वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह का इंट्रो बनाने के लिए हम दो एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, एक तो पिक्सल लैब, दूसरा है काइन मास्टर। ठीक है, पिक्सल लैब का थोड़ा सा काम है, बाकी सारा काम जो है काइन मास्टर का है। ठीक है, तो हमें पिक्सल लैब को पहले ओपन करना है। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ तीन डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से फिर इमेज साइज पे जाना है, यहाँ पे कस्टम पे जाके यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट है इस पर डबल टैप करके आपको अपनी चैनल का नाम एंटर करना है। चैनल में एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको इसको सेंटर पे लेके आना, यहाँ से फिर जो है हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट के लिए यहाँ पे एवी फॉन्ट पे जाना होगा। एवी फॉन्ट पे जाने के बाद फॉन्ट जो हमने इसके लिए फॉन्ट यूज़ किया है वो डिफ्यूज़ फॉन्ट, माने यानी आपको ये फॉन्ट ऐड करना होगा। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको जाके ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ से इसको आपको थोड़े सेंटर में लेके आना। तो यहाँ से आप इसका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हो, कलर पे जाके तो अलग अलग कलर भी आप रख सकते हो। यानी जैसे मेरे चैनल का नाम है टैग गेट SR, तो मैं टैग गेट का अलग कलर रख सकता हूँ और SR का अलग। जैसे मैं टैग गेट के लिए ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ और SR के लिए मैं दूसरा कलर, ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिक्सल लैब का काम। तो अभी हमें इस पर जाना है और यहाँ पर जाके हमें कलर, बैकग्राउंड कलर को हमें चेंज करना है, वो हमें ब्लैक कर देना है। ठीक है, तो इसको ऐसे थोड़ा सा सेंटर करके यहाँ पे क्लिक करके इसको इमेज को सेव कर लेना है। कस्टम पे जाके अल्ट्रा करके इमेज को सेव कर लेना है। तो उसके बाद काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेंगे। काइन मास्टर ऐप को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे इमेज असिस्टेंस पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ब्लैक कलर पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से बैक आएंगे और वो जो हमने अपना चैनल का नाम क्रिएट किया था पिक्सल लैब में वो यहाँ पे चूज़ करेंगे। फिर से इमेज असिस्टेंस जाएंगे, यहाँ से फिर से ब्लैक कलर चूज़ करेंगे। कलर चूज़ करने के बाद यहाँ लेयर पे जाएंगे, लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद हम अपनी चैनल के लिए जो कार वाला इंट्रो का जो टेम्पलेट है वो यहाँ से ऐड कर देंगे। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है स्प्लिट स्क्रीन पर, जाके आपने इसको फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है ब्लेंडिंग पे जाना है। ब्लेंडिंग पे जाने के बाद आपने इसको स्क्रीन कर देना है। ठीक है, स्क्रीन करने के बाद यहाँ से आपको ये जो फर्स्ट वाला ट्रांजिशन इफेक्ट आ रहा है इस पर ये इनमें से नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ स्टोर पे जाना होगा। स्टोर पे जाने के बाद एक्शन पे जाना होगा। एक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड टर्न और एक्सीलरेशन, इन दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहा है लिया है तो यहाँ पर इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। और फिर एक्सेलरेशन को भी इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। इन दो को डाउनलोड करने के बाद हमें यहाँ पहले प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद स्पीड टर्न पे जाना है। स्पीड टर्न पे जाने के बाद ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये हमें चूज़ कर लेना है और इसकी टाइमिंग को 1 कर देना है। इसके बाद बैक आएंगे, यहाँ सेकंड वाले ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे, एक्सेलरेशन पे जाएंगे और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसको चूज़ कर लेंगे। फिर बैक आएंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पहला वाला चूज़ किया था इसका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और सेकंड वाले का जो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अपने नाम जो है मैच करना है। तो हमारा इंट्रो जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, तो लेकिन हमें अब इसकी थोड़ी और सेटिंग करनी होगी ताकि ये मैच कर जाए इसके। तो पहले हम इसको प्ले कर के देख लेते हैं। तो जैसा देख रहे हैं कि नाम पहले ही आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। यह हो गई, ये आप देख सकते हैं मैच हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो जिस जैसे आपको फिर बैठ लगे, लेकिन मैच करना चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो इसको छोटा कर, इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको एक बार और प्ले करके देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रो। तो उसके बाद आप अपना कुछ और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अपनी चैनल का URL डाल सकते हो या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डाल सकते हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो हमने अपनी चैनल का जो URL डाल दिया है, तो फिर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने इसका साइज जो है थोड़ा छोटा कर लेना है।
छोटा करने के बाद आपने इसको थोड़ा यहाँ पे बिल्कुल प्लेस कर देना है इसके नीचे, अपने नाम के नीचे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका फॉन्ट भी फिर चेंज कर सकते हो, जो वाला फॉन्ट आपको ठीक लगे, ठीक है। जैसे हम अगर ये वाला फॉन्ट रख ले, ये वाला ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप इसका जो है कलर वालर भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको कोई और कलर पसंद हो तो वो आप कर सकते हो। जैसे हमने रेडी रखा है तो रेडी रखेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम इसमें एनिमेशन देंगे, इन एनिमेशन में आपको रखना है लेटर बाय लेटर रखेंगे आप, ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग है वो आप कर देंगे 1.5। तो आउट एनिमेशन में जाएंगे, आउट एनिमेशन में आप एक ऑप्शन देखेंगे, स्केल डाउन वाला ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे इसको तकरीबन 0.7 कर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद हम इसको थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं पहले। यहाँ पे इसको इसके बराबर कर लेना है, मतलब जिस टाइम से वो वाइप होगा, जिस टाइम पे आपका नाम वाइप होगा, फेड आउट हो जाएगा, उस टाइम वो भी होना चाहिए। थोड़ा सा और ये परफेक्ट हो गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद वीडियो पे जाना है, वीडियो फेड, ये वाला ऑप्शन जो है वीडियो फेड आउट, ये आपको ऑन कर देना है, और यहाँ पे आपने इसको 0.75 कर देना है, ठीक है, क्लोज कर देना है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा इंट्रो जो है रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको सेव कर लेना है गैलरी में।